हम भी फ्रेश ही लाते हैं ना भैया। फ्रेश है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट है दोस्तों, गांव पाल कांकरिया में अभी इन भाई लोगों की मेरे को कॉल आई कि एक सांप मछली के जाल में फंसा है। ये रेसर सांप है, ये किसी भी प्रकार से जहरीला नहीं होता है और बड़ी दिक्कत में। आपको रिवर्स आना है, इसको रिवर्स आते नहीं आता है। लो ब्रेक चालू करो। प्लेट की बहुत बुरी हालत में दोस्तों, पहले हम जरा इसको फ्री कर लें, फिर आराम से बातें करते हैं। हाँ मारो जरा, देख के पास से, बिल्कुल पास में लाओ लाइट, इधर इस तरफ किधर खड़ी प्लेट लाइट दिखाओ यार भाई। हाँ, टॉर्च मेरे को दे दो वाले पास पास में। अरे इधर वाली जो दांतों में फंसा है वो, ये छूट जाएगी ना तो फिर वो हाथ में नहीं आएगी। ऐसे काटो उनको, नहीं तो अंदर छल्ला रह गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे प्यार से एक एक दांत है ना, ये गोल रिंग जैसी होती है नायलॉन की, बड़ी खतरनाक होती है साली। इनको ना आग लगा देना चाहिए अगर काम नहीं हो तो, नहीं तो ये बहुत सारे जीव जंतु को बड़ी तकलीफ देती है। काटो इसका मुंह, अभी तक नहीं दर्शन हो गया दोस्त वो जल्दी तुमको फ्री करने। बहुत सुबह से परेशान हो रहे, कॉल करना था ना तुमको। अरे नंबर नहीं थे ना आपके, मेरी हर पोस्ट पे मेरा नंबर। अरे वो नंबर हमने देखा नहीं था ना, और ऐसा कोई भी कोई चर्चा हुआ नहीं था किसी का। सेव कर लिया सबने आपका, आपके नंबर नंबर सेव कर लिए अब तो सबने। मैं था तो अभी आया, ये भैया आए फिर इन्होंने बताया, उसके बाद फिर फेसबुक पे देखने के बाद फिर आपको कॉल किया। भाई तुम लोग यार ब्लेड इसके हाथ से चल नहीं रही, इसको कैमरा दो। कैमरा चल रही है, ब्लेड चलाने में तो किसी की हिम्मत नहीं है। ऐसे चल नहीं रही यार सही साहब, अभी तो आप हो ना। धीरे धीरे धीरे, सांप को ब्लेड नहीं लगना चाहिए, आराम से प्यार मोहब्बत से। हाँ वो क्या सुबह से बड़ा परेशान है, लो काट भी सकता है मेरे को। कोई भी जीव अगर परेशान है और उसको आप छेड़ रहे हो ना तो आपको काटेगा, उसको समझ में थोड़ी ना है कि वो तुम उसको निकालने की कोशिश कर रहे हो। वो बच्चा है ना, वो अंकल जी देख रहे हैं ना ऐसे घूर घूर के, तो वो उसके हंस रहा है। कितना उलझा हुआ है राम, पूरे दिन से ना आ रहा है, पूरे दिन से सुबह से, लेकिन देखा नहीं अपन ने तो उसको, दोपहर बाद देखा इनको। क्या इनको हंसी जा रही है ना, उसको मैं समझ सकता हूँ। यार कैंची भी लाओ। हाँ है ना कैंची, लाओ जल्दी लाओ, ये अब काम कैंची का है। लाओ जरा स्टाइल से बताओ भैया, नहीं तो तुम इसको समझ में नहीं आ रही। हाँ चल कड़क हाथ से कट कट काटो यार। मैं हो तो अभी तुम बोलो सारी जाल के तीन टुकड़े कर दो, मैं अभी तक इतना जल्दी काट दो आराम से कि सांप को बचा के। प्यार से ये भाई बाल काटना है, मैं तुमको हाथ में दे रहा हूँ बाल निकाल के, और क्या करना है। लो ये हाँ एंट्री नहीं करी भाई, ईमानदारी के बाद। अच्छा हाँ बस चल रहा है काम। लो इस चीज की क्या एंट्री है, लाइट ऑन के बताया। अरे भैया आए कजा के चमके लाइट डर लगी। अरे कहीं जंगल में रहा भले, और इनसे खतरनाक बाप जी का दर्शन हुआ है पण अभी तक ये नहीं पई है। इतरो मुखो नहीं आयो है इतरे पास से देखो, बहुत खतरनाक हालत। ये बैंडेड ट्रेसर सांप है दोस्तों, बड़ी बुरी हालत में, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं। मेरे को जरा इसको फ्री कर लें दो पहले, है ना। चलो कौन सा है,
मेरा ध्यान पूरा उधर ही होना चाहिए। अभी रुक जाओ, अकेला उनके नहीं। हाँ समझ रहा हूँ, दिक्कत में फंसा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत जल्दी वो फंसा, दिन भर का लपेटा इतना लिया उसने, उसने भी पूरी ताकत लगाई ना निकलने के लिए, और उल्टा फंसता गया क्योंकि इन जीवों को नाग नागिन है यार। अभी मेल फीमेल का तो नहीं बता सकते, अभी तो उसको निकाल लेते। मैंने क्या कहा बोला, काम गलत हो जाएगा उसके साथ। यहाँ से निकल रहे तुम, तुम्हें पूरी ताकत इधर लगा दी। चलो उसको काटो, आराम से ऊपर से लो, उसको ऊपर से काट ले मैदान के लिए। ये यहाँ से लो, अरे ये लो। उनको भैया को दो ना, वो थोड़ा नहीं क्या कि उनको पता है कैसे क्या करना, क्या नहीं करना, जल्दी कर पाएंगे। हाँ यार दो दो। ये भैया ने नंबर दिया, भैया आपका इन्होंने ही दिया। किन्ने? ये जो कैची से, इनको कैसे मिले भाई? मैं फेसबुक पे बहुत समय से जुड़ा हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं भी जनरल जानकारी लोगों को देता रहता हूँ। हाँ हाँ सामने काट दो। अभी तो बहुत फांसी लगी हुई है, बोला उसको, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लो जल्दी करो, इतना फांसी लग चुका है उसको, सब की स्टेज खराब हो रही है। तुमको कैची लाइफ में फर्स्ट बार इतनी घोड़े से देखी रही है ना। नहीं सही में भैया, मैं कांचली भी देख लेता हूँ ना, कम से कम 15-20 फीट दूर रहता हूँ, कांचली देख के। बहुत अच्छी बात है, काम कर लेना सब डॉक्टर कर लेंगे क्या मतलब। अरे नहीं भैया, मैं तो मैं मेरा बता रहा हूँ, एक बार देख लो ना। तो वो कहते हैं कितनी बार, एक मिनट में कितनी बार धड़कन धड़कती है, उससे ज़्यादा तो मेरी एक सेकेंड में धड़क जाती है। काचली देख लूँ तो इतना भयंकर डर लगता है मेरे को। उसमें सांप का क्या दोष है? अरे नहीं, अरे यार कोई बारीक कैंची बोला था ना मैंने, अरे रोज के बाल काटने वाली, तो तू अभी फक करा देता मैं सारे। ऐ सारी ठीक शांति दोस्त, तुमको ही छुड़ा रहे यार भाई, पता है तुमको तकलीफ हो रही है, पर तुम समझो तुम्हारी बात को। लो शांति रखो दोस्त, बहुत जल्दी शांति रखो दोस्त, शांति। चलो उनके कहीं है, उन्हीं चीज को ही है। इसके मुंह पे सुलो ना यार, छोटी याद है ना उनकी। लखन तू कैमरा पकड़ ले। मछली के जाल से बड़ी मुश्किल से फ्री किया उसको, बहुत ही सुंदर बैंडेड ड्रेसर सांप है दोस्तों। इसमें छोटे रूप में बैंडेड होते हैं, बड़े होने तक भी स्पॉटेड होते हैं, और कई बार नहीं भी होते हैं। ये 2-3 कलरों में मिल सकता है, हो सकता है कई बार इतने से बड़े सांपों में भी बैंडेड हो देखे हैं मैंने। बड़ा सुंदर सांप है, अभी हम इसको जंगल में रिलीज करेंगे दोस्तों। सुबह से पता नहीं कैसे इस हरामजादी जाल को जला देना चाहिए साइड में ले जाकर। अरे इसको अभी जला ही दे। क्या इस जाल में पता नहीं कब से फंसा था, और आखिरी सांसें हो गई थी मेरे को तो लगता है। थोड़ा सा पानी दो ना यार, पानी लेके जल्दी से लाओ, इधर ले लो लाइट में, ले ले ठंडा मौसम है पानी तो। चलो ठीक है, शल तो इनके निकलते रहते हैं, इससे कोई विशेष बात नहीं। नहीं इस मौसम में कुछ जरूरत ही नहीं। तो पी लो उनके यार, सुबह से ऐसा भूखा प्यासा फिर यूँ तो फिर याद करे अपन। देखो भैया जान से ज़्यादा प्यारी है ना इनके, इन्हें हमारे यहाँ इन्हें जंगल में छोड़ना। चलो तुम ले चलो मेरे को संग में। हाँ चलो चलो मैं ले चलूँगा, है ना भाई। कल से कुछ भी हो ना तो सारा इनके सुपुर्द रहेगा। अरे नहीं भैया, ये हमारा यहाँ क्या है, एक सुरक्षित जगह तुम लोग बता सकते हो उससे किसी बात है। हाँ बस ठीक है, ये जंगल ही उनके लिए सुरक्षित जगह है। हाँ ठीक है, पर ये जालों को जलाओ यार भाई। हाँ इनको जला देंगे, आग लगा दो। ये थोड़ा सा आपका हजार हो गया उठा ले अभी ऑटोमेटिक ही, मतलब दिखते दिखते ही क्या मालूम कहाँ हो जाते दोस्तों है। जो सांप हमने अभी पकड़ा था किस जगह से भाई? पाल काकरिया गांव से। ये माताजी मंदिर, माताजी के मंदिर के पास से। थोड़ा सा लाइट इनके मारो ना, परिचय भी हो जाएगा। पास से जरा लो ना,
इनके सांप को इनके सामने जाल में से निकाला और अब से हम इनके कहने अनुसार इसके लिए उपयुक्त जगह है बढ़िया मस्त पेड़ पे। नहीं नहीं पेड़ तो नहीं चढ़ता है ज़्यादा करके, वो मैंने कभी पेड़ पे चढ़ते देखा ही नहीं उनको। इसको हम इसके लिए सबसे बढ़िया जगह भाई साहब ने जो चुनी मेरे को भी अच्छी लगी और हमने इसको रिलीज कर दिया। ठीक है दोस्तों।